पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और राज्य में एक बार फिर टीएमसी की सरकार बन गई। लेकिन इन सब के बीच चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और बंगाल में हुई हार से बीजेपी को झटके मिलने का जो दौर शुरू हुआ वो आज भी जारी है। उसी कड़ी में अब बीजेपी को एक और झटका लग गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बंगाल की सत्ता टीएमसी के हाथ में चली गई। राज्य में टीएमसी की सरकार बने लगभग 4 महीने हो चुके हैं। बंगाल में मिली हार के बाद से बीजेपी में शुरू हुई खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कई नेता तो पहले ही बीजेपी से टीएमसी में शामिल हो चुके थे और अब बिष्णुपुर से बीजेपी के विधायक तन्मय घोष ने भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। तन्मय घोष ने कहा कि उन्होंने घर वापसी की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले ही वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें विष्णुपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया था और वो 11,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव भी जीत गए। लेकिन अब उन्हें अपनी पुरानी पार्टी की याद आ रही थी। कल तक बीजेपी की तारीफ करने वाले तन्मय घोष ने टीएमसी ज्वाइन करते ही बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। तन्मय घोष ने कहा कि बीजेपी विरोधियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। मैं सभी पार्टी के नेताओं से ममता बनर्जी का समर्थन करने की अपील करता हूं। वो ही ऐसी नेता है जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों का पूरी ताकत के साथ विरोध कर रही है। वैसे टीएमसी का दावा है कि बीजेपी में अभी कई विधायक उनके संपर्क में है, लेकिन पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी का सख्त निर्देश है कि जो लोग चुनाव के समय पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें आसानी से पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा और न ही सभी के लिए टीएमसी के दरवाजे खोले जाएंगे। यानी साफ है कि अभी बीजेपी के और विधायक टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।